नमस्ते। कुछ साल पहले मैं फॉरेन बहुत जाया करता था। मैं एक कंसल्टेंट था अर्बन प्लानिंग के ऊपर, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब देखता था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर है, उनकी इनकम अच्छी है, उनके खाना पीना रहना घूमना ये सब एक क्वालिटी थी। और यहाँ देश में देखता था कि ये गरीबी जो थी वो लोगों को चूस रही थी, और हमेशा ये फीलिंग होती थी कि हमारे देश के अंदर ऐसी प्रॉस्पेरिटी कब आ सकती है। और ये जो आग लगी थी अंदर, और उसके चलते फिर देश को बदलने की मैंने बहुत सारी कोशिशें स्टार्ट कर दी। तो पहले तो अन्ना जी के साथ मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो रिफॉर्म था उसके ऊपर साथ में वर्क किया, और भी बहुत सारे अर्बन रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया। केजरीवाल और पूरी टीम के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, उसके बाद आम आदमी पार्टी बना, उधर भी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। लेकिन ओशो कहते थे कि जीवन में गरीबी भी है और अमीरी भी है, तो हमें चुनना है। और मुझे ये लग रहा था कि पॉलिटिक्स जो है ये गरीबी है, रोज़ सुबह लड़ना रोज़ सुबह झगड़ना। मैं उसके लायक नहीं था, मैं पॉलिटिक्स के लायक नहीं था, और मैंने 2015 के एंड में पॉलिटिक्स छोड़ दिया। लेकिन वो आग तो थी कि देश को कैसे बदला जाए। और गांधी जी ने ये कहा था कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो मुझे लगा कि अगर इंडिया को बदलना है तो देश को बदल तो गांव को बदलना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे एक मॉडल बनाए जो देश को बदल सकता है, गांव को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लोगों की इनकम बढ़ा सकता है। और 2016 में मैंने ये सोचा कि हाइएस्ट सुसाइड्स कहाँ होते हैं, मराठवाड़ा। मराठवाड़ा का वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बीड। बीड के अंदर एक तालुका है परली, जहाँ इंडिया का इरिगेटेड एरिया 40% था, तो परली का 1.72% था। और मराठवाड़ा में बहुत फार्मर सुसाइड्स होते थे, और मुझे ये हर्ट करता था। तो फिर 2016 में मैंने सब कुछ अपना जॉब छोड़ दिया, एक घर में मैंने कुछ बुकिंग किया था वो बेच दिया, और मुझे लगा पूरा जिंदगी सेवा करें। लेकिन सेवा यानी सोशल वर्क नहीं है, सेवा यानी राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए। तो मैंने 15 गांव सिलेक्ट किए और वहां काम करना शुरू किया। और उस समय मैंने लगान पिक्चर छोड़ के कभी गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी नहीं आती थी। तो वहां पे काम करने जब शुरू किया, तब देखिए मैं कंसल्टेंट था, और कंसल्टेंट जो होता है ये सोचता है कि उसको सब कुछ आता है। जब गांव में जाके मैंने काम करना शुरू किया, तब समझ में आया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और पहले अनलर्न करने की ज़रूरत है, चाय का कप में से चाय फेंकने की ज़रूरत है, तभी मैं कुछ सीख पाऊँगा। और वहाँ पे हमने मैंने इस प्रकार से काम शुरू किया। 2016 में भीषण दुष्काल था, पीने का पानी नहीं था। बीड के नज़दीक जो लातूर था वहाँ पे ट्रेन से पानी लेके जाते थे। तो मैंने क्राउड फंडिंग शुरू करके टैंकर के द्वारा गांवों के अंदर पानी देना शुरू किया, और 1.57 करोड़ लीटर हमने पानी टैंकर के थ्रू दिया। और काफ़ी ऐसे गांव थे जिनका डेली का पानी पीने का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ये करने के बाद वहाँ के कुछ मित्र, एक डॉक्टर वंगे हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं परली के, उन्होंने मुझे समझाया कि मैं ये पानी देना जो है ये तो बैंडेड लगाने जैसा है, शरीर के अंदर कैंसर है और तुम बैंडेड लगा के सोचते हो कि तुमने उसको ठीक कर दिया। तो अगर तुमको रियल आउटपुट करना है, रियल कुछ अच्छाई करनी है, तो गांव को बदलना पड़ेगा। वो चैलेंज मैंने स्वीकार कर दिया। 2017 के अंदर हमने काम शुरू कर दिया गांव में, और काम शुरू करते उसके दो परिणाम हुए। एक तो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि ये आदमी इतने दूर से 530 किलोमीटर से मुंबई से क्यों आता है, उसको न नोट चाहिए न वोट चाहिए। तो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा कि मैं थोड़ा पागल हूँ, और 360 डिग्रीज के ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि गांव में मैं समझता हूँ कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा है, आप हार्ट पे काम करोगे तो लीवर खींच लेगा, लीवर पे काम करोगे तो लंग्स खींच लेगा। आपको अगर गांव बदलना है तो आपको पूरे 360 डिग्रीज के ऊपर काम करना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ विलेजर्स लाइफ यू शुड टच एंड चेंज। तो जैसे हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया,
बहुत सारी स्कूल्स है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक किया, कंप्यूटर्स किए, ट्यूशंस दिए बच्चों को, हेल्थ केयर के ऊपर कैंप्स किए, फ्री मेडिसिंस दिए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लोगों को तैयार किया, कैपेसिटी बिल्डिंग में हर गांव से एक एक लड़के को लेके 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स किया। वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन का था, उसके ऊपर काम किया। और ऑब्वियसली द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, वो पानी और लाइवलीहुड, ये दो के ऊपर सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि देखिए, बाहर से एक आदमी जाके गांव में काम करता है और गांव वाला उसका हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं, ये तो मामूली बात है। हम वो नहीं करना चाहते थे, हम चैरिटी नहीं करना चाहते थे, हम उनके साथ पार्टनर बनना चाहते थे। इसलिए हमने फार्मर्स को कहा कि कोई भी काम नहीं होगा जिसमें आपका सहभाग नहीं होगा। हमने गवर्नमेंट को कहा, हम गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं, हम गवर्नमेंट से काम करवाने लगे। तो इस तरह से हमने हर चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन ये देखा कि जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो बाल्टी के अंदर होल होता है ना, वैसे होल हो जाएगा। तो इसकी एक कहानी मैं आपसे 2 मिनट में शेयर करूंगा। एक गांव था रेवली करके, ये 2017 की बात है। वहाँ पे मैं कुछ बोल रहा था एक मंदिर के प्रमाइस में, पब्लिक, छोटी सी पब्लिक मीटिंग थी, और मेरे ऊपर और कोई बोल रहा था तो मैं इरिटेट हो गया। मैंने कहा एटलीस्ट दारू पी के मंदिर में तो मत आया कीजिए। फिर मीटिंग के बाद मुझे लगा वो किसका भाई होगा, किसका चाचा होगा। मेरे साथ, मेरे को इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं था या वो ठीक नहीं था। लेकिन सरपंच ने बड़ा सीरियसली लिया, वो वहाँ की दारू की दुकान के पास गया और उसको कहा भैया तू दारू बंद क्यों नहीं कर देता है, 6 लोग मर चुके हैं, रोज रात को दारू पी के सब रोड पे सोए रहते हैं, लेडीज़ ने, 10 साल के बच्चों ने पीना शुरू कर दिया और कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, तो दारू बेचना क्यों नहीं बंद कर देता है। अब पता नहीं क्या हुआ, संध्या काल का समय था, उसने दारू बेचने का कमिट कर दिया कि मैं हफ्ते में दारू मेरा स्टॉक बेच के मैं निकल जाऊंगा। तो मुझे जैसे पता चला, दूसरे दिन सुबह मैंने जाके उसका पैर पकड़ लिया। तो उस समय वो सब लोग मानते थे कि भाई ये रोज टीवी पे आने वाला आदमी इधर आ गया हमारे सामने, तो बड़ा रिस्पेक्ट था मेरे लिए। तो मैंने उसको कहा अरे भैया आप अभी घर कैसे चलाओगे, तो मैं तुमको 3 प्रेग्नेंट बकरी देता हूँ, आप उसका बकरी का रियरिंग कीजिए जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। 7 दिन के बाद उसने दारू बेचना बंद कर दिया, मैंने उसको बकरी दे दी और उसका घर अच्छा चलने लगा। ये एक मेरे पास बहुत बढ़िया मॉडल हो गया और इस मॉडल को लेके मैं सारी दारू की दुकान जो थी वहाँ पे जाके, वो तो भाग जाता था क्योंकि हम पुलिस का रेड मरवाते थे, और उनकी पत्नी का पैर पकड़ लेता था, बोला माता जी जब तक मैं रहूँगा रेड तो बंद होगी नहीं, आप दारू बंद क्यों नहीं करवाते, ऐसी जिंदगी कब तक जी हो गया। तो 1-1.5 महीने में, और उसमें भी हमने सोशल प्रेशर भी लगाया, लेडीज़ और यंग बच्चे रोज रात को मशाल लेके गांव में घूमते थे, दारू बंदी झालीच पाइजे, दारू बंदी झालीच पाइजे, और दारू की दुकान के बाहर वो लेडीज मंजीरा लेके रामधुन करती थी। ऐसे करते करते थोड़े दिन के अंदर सारा दारू बंद हो गया। पर उससे क्या हुआ कि ये मूवमेंट शुरू हो गई, जो लेडीज घर के अंदर थी बाहर नहीं आती थी वो बाहर आने लगी, जो यंगस्टर्स थे जिसको कुछ, वहां पे जब मैं गया था तो मैंने देखा कि इतना उनकी आंख के अंदर अग्नि नहीं थी, सोललेस था, पर फैमिली इनकम 3,500 रुपया था, और वो इसलिए जी रहे थे क्योंकि वो मरे नहीं थे, कंप्लीट डिप्रेशन था। वहां से ये जो जागृति आई है, वहां से जो लोग जुड़े, फिर तो वो सवाल पूछने लगे, कलेक्टर से सवाल पूछने लगे, तहसीलदार से सवाल पूछने लगे, अपने गांव में ग्राम सभा जहाँ पे 4-5 लोग साइन करते थे वहां पे इन्वॉल्व होने लगे और हर चीज को करने लगे। तो इस तरह से 2017 के अंदर हमने 360 डिग्रीज डेवलपमेंट शुरू कर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के अंदर उत्साह आ गया, हमें कहने लगे आप बीच में मत आइए, अब सारे 100% टॉयलेट्स हम बनाएंगे, और हरेक जो एस्पेक्ट्स थे लाइफ के वो सब के ऊपर काम करने लगे, यही हम चाहते थे। लेकिन फिर भी ये तो एक चिंगारी थी, इस तरह से आग लगनी थी, और आग पानी से लग सकती है, क्योंकि जैसे शरीर के अंदर 70% पानी का मात्रा होता है, गांव के प्रॉब्लम्स स्पेशली इन मराठवाड़ा 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू वाटर। तो जब नदी का हमने काम शुरू किया, ये पापनाशी नदी, ये इसको खोलीकरण, ढूंढीकरण यानी डीपनिंग और वाइडनिंग जब हमने किया,
क्योंकि हम समझ रहे थे कि पानी को, जो बहता पानी है उसको चलना सिखाना पड़ेगा, चलते हुए पानी को रुकना सिखाना पड़ेगा और रुके हुए पानी को जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। जो 500 फीट के ऊपर जो पानी आता था, अब आप देखिए आपके बाजू में जो कुआ है, जो वेल है, उसमें 25 फुट के ऊपर पानी आ गया है। तो ये पूरा पानी का जब काम हुआ जो, तो उसमें सारे गांव, आपका भिले गांव, परचुंडी, वागाला, फिर सेलू, साबला, ये सब गांव और दूसरे भी सब गांव ने मिलके जिस प्रकार से काम किया, नहीं सिर्फ काम नहीं किया, 13,55,000 रुपया आप लोगों ने इकट्ठे किए, बाकी हमने सरकार से लिए थे, कुछ मित्रों ने भी पैसे दिए, लेकिन जिस प्रकार से 8-8 घंटा धूप में काम करते थे, मुझे याद है हम लोग चलते थे 45, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, इसी नदी के अंदर, इसी जगह पे, और सरकार से हमने सारे डैम बनवाए, 5 आपके पीछे वैसे 5 बड़े डैम, 62 छोटे वाले डैम, 162 हमने फार्म पॉन्ड बनाए। आपको याद है कि एक एक पॉन्ड बनाने के लिए 500, 600, 700 पूरा का गांव उमट पड़ता था, 45 दिन तक हमने काम किया है। और मुंबई से हमारे बहुत मित्र भी आए, पुणे से आए, देश भर से मित्र भी आए हमें हाथ बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार से ये काम हुआ है, ये एक अलग ही मूवमेंट था, और उसके चलते पूरा चळवळ, जो जोश, जो जीवन, जो चेतना इस एरिया के अंदर आई है, उसके अंदर ये पानी के ऊपर का काम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पानी आने से जमीन जिंदा हो गई, जमीन जिंदा हो गई तो झाड़ उगने लगे, गवत यानी ग्रास होने लगा, बर्ड्स आने लगे, इंसेक्ट्स आने लगे, ये पूरा एरिया जो डेड हो गया था, ये पूरा पानी के चलते स्टार्ट हुआ, और लोगों के अंदर जोश आ गया कि हम कैसे इसको बदलें। और आप और आपकी जो युवा की जो टीम थी, एक नया लीडरशिप गांव के अंदर बैठ गया। मुझे उस सारे दिन अभी भी बरोबर याद है, 2018 में जो पानी का हमने जबरदस्त काम किया था, उससे ये पूरा एरिया में फर्क आ गया। और उसके चलते अभी हम पेड़ भी लगा सकते, अगर पानी नहीं होता तो न पेड़ लगता न कुछ लगता। और 2018 सबसे सूखा था बड़ा, आपके एरिया में लास्ट 8 साल में 5 साल सूखा पड़ा है, उसके बाद भी ये सब जीवन, तो ना ये मनुष्य की ताकत है, ये सब लोग एकत्रित होते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं।